रोना एक टोपा पानी जाता जी सरकार जी से आई है। इससे अगला गांव है रोना, वहाँ एक टोपा पानी नहीं जाता जब से सरकार आई है। कांग्रेस आनी चाहिए, अब की बात बदलाव होना चाहिए। समस्या ये साले जहाँ सारी सरकार सर जी, हम छनौली गांव के हैं, दो साल हो लिए इस नहर में पानी नहीं आता, नहीं तो पानी आता नहीं सफाई होती जी, और इस नहर के कारण कुछ खेती हो जाती जी, टूबलों में खारा पानी हो रहा है, फसल जमती नहीं जी, धान सूखने लग रहे जी। मैं तो रहूंगा जी इसी सरकार के पक्ष में, लेकिन कर्मचारियों को बदल दे ये सरकार, हम तैयार रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, ये कर्मचारी है ना जी धोखाधड़ी कर रहे हैं खूब। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ क्षितिज कांत। खरखोदा विधानसभा में हूँ, हरियाणा की अलग अलग विधानसभा में जाकर पब्लिक से जानकारी कर रहा हूँ कि क्या कुछ होने वाला है 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में। खरखोदा की पब्लिक क्या कुछ सोच रही है, बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ मुद्दे होने वाले, क्या वाकई में इस बार सरकार बदलेगी या एक बार तीसरी बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। खरखोदा विधानसभा की पब्लिक से पूछते हैं क्या कुछ सोच रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? ऋषि प्रकाश। ऋषि जी, चुनाव काफी नजदीक है, पब्लिक का मूड क्या है, आपका मूड क्या है? हमारा मूड ये है, कांग्रेस आनी चाहिए, अब की बात बदलाव होना चाहिए, जब ही तो को काम होगा। अब अग्निवीर का आपने कहा, अग्निवीर 5 साल के लिए क्यों नहीं बनाया गया? जब एक MLA बनता उसको पेंशन मिलती है, तो एक जवान को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सही बात। नहीं, वो 5 साल के लिए क्यों नहीं बनाया, अगर उसको पेंशन कोर्ट में केस आ लगा उन पेंशन में लगी नहीं मिलेगी। एक MP बनता उन पेंशन मिलती है, तो एक जवान को क्यों नहीं मिलेगी? 5 साल वो भी 5 साल करनी चाहिए उसकी, नहीं करनी चाहिए। अभी ये नहर पड़ी है यहाँ पानी देख लो कितना आ रहा, पानी नहीं आता, नहीं आता, ये देख लो नहर यही है, मैं आपके साथ में वीडियो बनाता हूँ, एक टोपा पानी आ इतना पानी होगा नहर में, आगे तो पानी जाता ही नहीं। रोना है, रोना एक टोपा पानी जाता जी सरकार जी से आई है। इससे अगला गांव है रोना, वहाँ एक टोपा पानी नहीं जाता जब से सरकार आई है। 3 किलो नहीं आता, कति टोपा भी पानी नहीं देखने को नहीं मिल रहा लोगों को। नाराज हो आप? हाँ, इस चीज से नाराज है, पानी नहीं मिलेगी, पानी नहीं जाएगा खेती में, वो नहीं होगा तो जाट क्या करेगा, मरेगा? बदलने के मूड में इस बार? हाँ, ये सोच ही रहे हैं भाई सरकार बदली जाए। आपके साथ में हम नहर में खड़े होकर दिखाते कितना पानी है अभी हाल में। पानी भी पीने का नहीं है, समस्याएं काफी है, साफ सुन रहे हैं कि बगल के गांव में भी नहीं मिल पाता पानी। आप यहीं पर रहते हो? नाम है खंडा गांव का। क्या समस्याएं होती है? समस्या ये साले जहाँ सारी सरकार सरकार बढ़िया काम नहीं की, बढ़िया करे हैं, बढ़िया भी करे सरकार ने, बढ़िया भी किया। क्या बढ़िया किया? ये बढ़िया ना करे भाई, लोग देने लाग रही खाते में रुपया आने लाग रहे, होटल चलवा रखे, ठीक ठाक चल रहा, ठीक चल रहा है। और बाजरे का आए पीछे धाना गया है, टीवी ओले पड़े थे कि दे दिए सरकार ने, इलेक्शन के मारे दिए कौन दिए, दे तो दिए, दे तो दिए। देखिए, कुछ चीज़ें अच्छी भी करती है और कुछ चीज़ों से परेशान रहते हैं। आप क्या कहते हैं, इस बार समस्या है या समस्या खत्म हो गई? भाई समस्या था, ये देश आज़ाद हुआ उस दिन की चल रही है, समस्याएं हैं, संभाल नहीं पा रही सरकार। ऐसी कोई सरकार नहीं जिसने सारे काम बुरे करे हों, ऐसी भी कोई सरकार नहीं जिसने सारे अच्छे करे हों। अभी माहौल क्या दिखता है, चुनाव तो नजदीक आ रहा है, माहौल तो इस एरिया में तो कांग्रेस आओगी, कांग्रेस दिखता है तो सोनीपत का जो एरिया है ना, इधर तो हम लोग खरखोदा विधानसभा में आज भी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का विधानसभा, इधर कांग्रेस दिख रही है, कांग्रेस दिख रही है। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस दिखती है या भाजपा दिखती है इस बार? भाई जो यू भाई कहे ना, भाई ठीक से सब सही है। हाँ यही है, हम तो भैया ये गेलिया हैं जो लोकसभा में भी खरखोदा विधानसभा से कांग्रेस जीती है, बरोदा विधानसभा भी को कांग्रेस जीती है, आगे भी आसार ऐसे दिख रहे हैं कांग्रेस निकलेगी। बड़ी समस्याएं माने, बड़ी समस्याएं इधर हरियाणा के आसपास जहां पे आप जाते हैं, तो वहां बड़ी समस्याएं क्या क्या रही है बता बलराज भाई? समस्या आड़ नहीं आए थे तुम, GT रोड पे बैठे थे 1.25 साल तक, वो समस्या चल ले रही है, कोई को हल करे किसानों की? हाँ, नहीं मरेगा किसान, तो किसानों के लिए अच्छा नहीं किया भाजपा जो वो बता दिए, ऐसी कोई सरकार
अच्छा था, 3000 रुपये खाते मान लाग रहे, ये भी अच्छा है, लेकिन उससे काम तो नहीं चलता ना, समस्या ये। अब बारिश हो नहीं रही, नहर में पानी नहीं आ रहा, पिछले साल बारिश भी होगी थी, नहर में पानी भी बढ़िया आएगा, बढ़िया फसल होगी। अब की बार ना राम बरसता, ना सरकार पानी छोड़ती, ना नहर में पानी छोड़ा जा रहा, बहुत कम पानी आओ नहर। हाँ बिल्कुल आती है नहीं, एक हफ्ता को डेढ़ महीने में एक हफ्ता इतना रहा, एक हफ्ता चल रहा है। समस्याएं हो रही हैं आपको? सर जी हम छनौली गांव के हैं, 2 साल हो लिए इस नहर में पानी नहीं आता, टाइम पर नहीं तो पानी आता, नहीं सफाई होती जी, और इस नहर के कारण कुछ खेती हो जा रही जी, टोबलों में खारा पानी हो रहा है, फसल जमती नहीं जी, धान सूखने लग रहे जी, पीने का पानी भी नहीं मिल रहा। पीने का पानी जी इस बड़ी नहर से हमारा प्रधान जी है ले रहा जी, कहीं उसकी होगी जान, जैसे तैसे मदद कर रहा है। हाँ जी प्रधान ने टोबल भी लगाए थे जी, लेकिन टोबल वे इतने चलते नहीं, और नहर से पानी दे रहा गांव को। सरकार पूरी तरीके से विफल रही है, फेल हो गई जी। सरकार का क्या दोष, क्या पता कौन ध्यान देता है, सरकार वाले कहते हैं पानी आओ है, आराम कहते हैं नहीं आमता, तो कर्मचारियों का दोष हो गया। ये तो कर्मचारी पर नकेल नहीं कस पाई, कोई भी नहीं कस पाई जी, कर्मचारी सबने ठिल्ले हैं जी, इसकी टाइम पर सफाई होती नहीं, टाइम पर पानी नहीं आमता, जिस नहर से ये नहर में पानी आता हुआ बड़ी नहर चल रही है जी, इसमें पानी नहीं आमता जी, वहाँ से पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ। हाँ जी भ्रष्टाचार फैल गया, नाराज हो बिल्कुल नाराज है जी, किसान तो पानी के मारे मरा है जी, पानी नहीं आया तो नहर में किसान खेती कैसे करेगा? देखिए किसान खेती कैसे करेगा, बड़ी बात क्या कह रहे हैं आप? वहाँ से नहर से जो पानी छूट रहा है पूरी चल रही जी वहाँ से, ये लोग पीछे जमींदारी इसको बंदा लगा रहे, उसको रोक रहे नहर को, अभी भी जाकर देखोगे सुंडवे गिर रही पर आने नहीं देते हैं, और प्रशासन ही गलत है, जो ड्यूटी नहीं कर रही है, जो ही पर नौकरी लगा रखे, काम का दें तनख्वाह ही सरकार इनको, दिक्कतें बढ़ गई। हाँ जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही, ये नौकरी नो बताओ ना, तनख्वाह दे रही सरकार, क्यों ना अपना कर्तव्य निभाइए। कभी कोई अधिकारी कोई नेता आता भी नहीं? नहीं जी, एक बार SDM आई थी जब सफाई हुई थी, इसके बाद में कभी नहीं आई। नहीं जी। तो अभी आप लोग मूड में हो इसी सरकार में कि या फिर बदलोगे? बदलेंगे जी हम। आप भी बदलने के मूड में हो? मैं तो रहूँगा जी इसी सरकार के पक्ष में, लेकिन कर्मचारियों को बदल दे ये सरकार, हम तैयार रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, ये कर्मचारी है ना जी धोखाधड़ी कर रहे हैं खूब, अपने सिफारशिया का पानी चलवाओ है, नहर में मोटर लगवाते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी। क्या क्या समस्या हो रही है? समस्या साहब पानी नहीं आ रहा, सूखा पड़ रहा, काल पड़ रहा, बरसात नहीं हो रही, नहर की सफाई नहीं हो रही, खेतों की हालात खराब है, हालात के बिजली आती जी ना पानी आता, ठीक है आप ये बताओ गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखना चाहिए ना किसान का है, नाराज हो गवर्नमेंट से? हाँ गवर्नमेंट से नाराज है, बदलने के मूड में? बदलने हो तो देखा है जी, गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी ये भी रख लेंगे, नहीं करेगी तो काम करेगी तो रख लेंगे, नहीं करेगी तो जाएगी, काम करेगी तो रख लेंगे, वो तो जनता बता देगी, ठीक है जी। काम करेगी गवर्नमेंट तो रख लेंगे, नहीं करेगी तो गवर्नमेंट जाएगी, समस्याएं काफ़ी है, लोगों से हमारी लगातार बात हो रही है, चुनाव से पहले हरियाणा के अलग अलग विधानसभा में जा रहा हूँ, इस समय खरखोदा विधानसभा में हूँ, और खरखोदा की पब्लिक साफ कह रही है कि अगर नहरों में पानी आएगा हमारे खेत के हालात सही होंगे तो इस बार भाजपा की सरकार फिर से लाएंगे, नहीं तो कांग्रेस की सरकार आएगी या सरकार को बदल दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि समस्याएं बड़ी है, क्या कुछ करती है गवर्नमेंट, ये जो नहर आप देख रहे हैं क्या इस नहर में पानी आएगा किसानों तक, किसानों के खेत तक पानी पहुंचेगा, क्या पीने का पानी मिलेगा, या फिर इसी तरीके से नहरें होंगी और समस्याएं बढ़ती रहेगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, पब्लिक के सभी मुद्दों पर बात होगी और आपको सभी मुद्दे दिखाएंगे, हरियाणा की पब्लिक इस बार क्या कुछ चाह रही है वो भी दिखाएंगे। चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दे, वीडियो जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा। मैं क्षितिज कांत कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।